अमेरिका हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, जो जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। इंडियन कमांडोस का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं वहां पे। बहुत बड़ा चैलेंज जिसे भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडोस के जरिए सफलता से पूरा किया है। और आप देखिए कि लीला ग्लोबल जो कैसे भारतीय नौसेना का मार्कोस कमांडोस का धन्यवाद भी यहाँ पर कर रही है। 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं, 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज को। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितने बड़ी बात, ये वो टॉन्ट कर रहा है ना, ये वो टॉन्ट कर रहा है, यूएई हमें टॉन्ट कर रहा है। 7 अक्टूबर से जो हमास और इसराइल के दरमियान में जंग हुई है, और बहुत सारे भारतीय इस वक्त इसराइल की फौज में हमास के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज यूएसए ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रहे हैं, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मजहब है, इस्लाम है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया है। दुबई का वीजा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए, तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, उनको वीजा नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी पता पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल EFZ में। दोस्तों, अरेबियन सी में भारत की ओर आ रहे लाइबेरियन फ्लैग वाले मालवाहक जहाज लीला नॉरफोक्स को भारतीय कमांडोज ने अपने ऑपरेशन के द्वारा छुड़ा लिया है। वहां पर जितने भी भारतीय बंधक थे उनको बचा लिया गया है, और एक बहुत ही स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था मार्कोस कमांडोज के द्वारा। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इनकी नेवीज के द्वारा किए गए ऑपरेशन पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन भारत की नेवी के द्वारा लिया गया स्टेप पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया किस नए तरीके से भारत की कमांडोज के किए गए इस ऑपरेशन की हंसी उड़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया की हवा तब निकल गई जब उनको ये खबर मिली है कि यूएई की आर्मी भारत की आर्मी के साथ साझा युद्ध अभ्यास कर रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक भारत की आर्मी और यूएई की आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ऐसे मिर्ची की तरह लगी है और सुई की तरह चुभी है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई भारत के ज्यादा नजदीक है, हमारे नहीं। दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। सोमाली कजाक जो है मौके से फायदा उठा के, भरपूर सोमाली कजाक जो है वो एक जहाज ले गए उठा के, और वो जहाज कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना, एमवी लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं, 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज को, और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई, और अभी देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के साहिलों पर पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब वहां पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा, जो जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। तो हम इस तरह से कहना है, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोस का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं वहां पे।
जा रहे हैं पीछे, ठीक है। देखना ये वो कजाक लेके भाग जाते हैं लीला को, या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। तो गेम बचाना पड़े, ये एक बड़ा एक जाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी खराब हुई है इस वक्त। अपने लोगों को फीड कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी कर रहा है। और इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड था कि एक तरफ वो खामोशी, पहले तो खामोशी कर ली इख्तियार कि वो जो इसराइल के हक खामोशी, बिल्कुल ही वोट में जो है कोई किरदार अदा नहीं किया। फिर क्या किया कि फिर परेशान हुए जब देखा कि जितने कुछ ज्यादा मुजालम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल ने किए हैं, तो फिर पीछे हट गए यूएन में के अंदर। सो इंडिया भी जो है वो एक्सपोज हुआ है। और ये जो आपने एंगल दिया है कि भारतीय जो यहूदियों को कहा जा रहा है कि वहां जाके सेटल डाउन हो जाएं, मैं समझता हूं कि एक खास तबका है जिन्होंने पर्टिकुलरली देखा है इसको, इस लेंस से देख रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूसली हवा देना चाहते हैं कि ये जो जंग है आलम इस्लाम में फैले, हालात खराब हों। जिस तरह के हमने देखा है इसराइल भी चाहता है कि कभी वो सीरिया में हमला करता है, कभी वो लेबनान में हमला करता है, वो चाहता है कि खिता इसमें इन्वॉल्व हो। ज्यादा खिता इन्वॉल्व होगा तो जो मैंने एक दहशतगर्दी की है, जिस तरह बेपाने पे मैंने फलस्तीनियों को मारा है, तो मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मैं बम्बार्टमेंट कर रहा था इसलिए कर रहा, देखो सारा खिता मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गया है। तो वो दोबारा वो माहौल पैदा कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन के जरिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात, ये वो टॉन्ट कर रहा है ना, ये वो टॉन्ट कर रहा है, यूएई हमें टॉन्ट कर रहा है। तो जाहिरी सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टॉन्ट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो टॉन्ट कर रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क। ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना, वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो, दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट में, स्टेट है बिल्कुल, कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने, कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे, क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं, एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद उसका वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तू भी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में, उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है, उनके जो इंडियंस है ना वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने जात का अपने मफादात का सोचते हैं, पता हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। दलील होने की वजह क्या है फिर, ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है। दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, अश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहां दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी 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 आया है आपके सामने कि उनका ये पड्डा पड़ गया, उनका ये पड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन, उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड, और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।